चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला, तहसीलदार बारामूला, आज यहाँ जितने भी स्कूल के बच्चे आए हैं, हमारे किश्ती वाले, हमारे मीडिया के दोस्त, आज जो बेसिकली यहाँ से हम शिकारा रैली कर रहे हैं, ये बेसिकली जो स्वीप प्रोग्राम होता है, जो वोटर अवेयरनेस के तहत हम कर रहे हैं। तो आप सबको बताया कि बारामूला जो फिफ्थ फेज ऑफ इलेक्शन के 20 मई को हमारे यहाँ वोटिंग हो रही है, उसके तहत तो जनरेट अवेयरनेस की कैसे वोटिंग करें, हमारे बाद जैसे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट्स लेके पोलिंग स्टेशन जा सकते हैं, डिफरेंट इश्यूज अबाउट इलेक्शंस को अवेयरनेस करने के लिए। ज़िला बारामूला में आप सबको पता होगा कि बलबीर साहब जो कि हमारे स्वीप के नोडल ऑफिसर भी हैं, इनके साथ और जितने भी हमारे ARO's हैं वो सब प्रोग्राम्स कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, मतलब में भी प्रोग्राम हुआ, लडूरा में भी प्रोग्राम हुआ, गुलमर्ग में भी प्रोग्राम हुआ, उसी सीरीज़ में आज यहाँ बारामूला में भी प्रोग्राम हो रहा है जो बारामूला असेंबली सेगमेंट के लिए है। तो मैं सबको आज वेलकम करता हूँ। मैं आप सबसे मीडिया वालों के दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी अवेयरनेस करें, स्पेशली रिगार्डिंग, आप सबको पता होगा इलेक्शन कमीशन ने सर कई सारी नए फैसिलिटीज़ दी हैं, जैसे 85 प्लस जो वोटर्स हैं उनको होम वोटिंग की फैसिलिटी दी है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो 40% से ज़्यादा बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं उनको भी होम वोटिंग की फैसिलिटीज़ दी हैं। तो ये सारे अवेयरनेस कैंप्स इसी कारण से कि जो जो नए इनिशिएटिव्स हैं इसको हम लोग आवाम तक पहुँचाएँ। इसी के साथ आप सबको भी शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप सब इतनी भारी तादाद में यहाँ आएँ, और इसी के साथ हम इस वोट रैली का शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। इतकन था बड़े खूबसूरती से जाली से चल रहे हैं। से पोलिंग स्टेशन में जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सब के लिए हम इनको तैयार कर रहे हैं, और इन इवेंट्स के दौरान आपके थ्रू हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगामी इलेक्शंस में आएँ और वोट करें। सर, आज जो पहले दफ़ा इस तरह का प्रोग्राम देखने को मिला, क्या आपको लगता है आने वाले इलेक्शन जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें जो काफ़ी लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे, और किस तरह का रिस्पॉन्स है? यानी सारे जितने भी इवेंट्स हुए होंगे आप सबने देखा होगा, आप सबने काफ़ी में पार्टिसिपेट भी किया होगा, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं इस इवेंट्स में ना कि सिर्फ इलेक्शन अवेयरनेस के बारे में, स्मॉल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चर एक्टिविटीज़ भी रखें, जिससे हम बेसिकली लोगों को इंगेज कर पाएँ, क्योंकि मेन जो हमारा जो स्वीप का मकसद भी यही है कि बेसिकली लोगों को इलेक्शन के बारे में अवेयर कराए और इलेक्शन प्रोसेस के बारे में अवेयर कराए। तो हम कोशिश करेंगे जैसे हम पहले सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज और सेगमेंट्स को कवर करना चाहते हैं, अगर टाइम हमारे पास होगा तो हम कोशिश करेंगे एक और राउंड करें, सो दैट क्योंकि रिस्पॉन्स जो हमें पब्लिक का आ रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स से आ रहा है, जो डिफरेंट सोसाइटीज़ से आ रहा है, बड़ा ही अच्छा आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे जितना हो सके इसको हम एक्सटेंड करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम कनेक्ट कर पाएँ। इलेक्शन की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँच गई? इलेक्शन की सारी जो तैयारियाँ ऑलरेडी हम लोग मुकाम पर हैं, हमारा जैसे मैंने बताया फिफ्थ फेज में इलेक्शन हो रहा है, तो जितनी भी हमारी तैयारी आपने देखा होगा कल ही आप सबने कवर भी किया था, जो हमारे फर्स्ट राउंड ऑफ रैंडमाइजेशन होता है जिसमें हमारी सारी जितनी भी बारामूला में पॉलिटिकल पार्टीज उन सारे के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, हमारे सारे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स भी आए थे, उनके सामने हमने रैंडमाइजेशन की थी। उसके अलावा जो बाकी काम है, अगर हम बात करें स्पेशल समरी रिविजन का, वो भी कम्प्लीट हो गया है, जैसे जैसे आगे टाइम शेड्यूल होगा उसके हिसाब से और कार्यवाही होती रहेगी। शुक्रिया सर। जस्ट वांट टू क्लियर अ कंफ्यूजन, पॉलिटिकल पार्टीज में होल्ड रैलीज हियर, इज मीडिया लाइक कैन मीडिया कवर द रैली? आई एम टेलिंग नहीं, यू कैन कवर द रैली, ओके, पर बस ये देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी हमने 2-3 बार मीटिंग कर चुके हैं, पर डाकघुंडा में किया था, कल भी किया था, तो वी हैव गिवन पॉलिटिकल पार्टीज रिक्वेस्ट की जो स्पेशली हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, स्पेशली जो अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन से आता है उसके बारे में इतला दिया गया है, तो उनको कहा गया कि कोई भी पॉलिटिकल रैली, प्रोसेशन, कोई भी इवेंट करते हैं तो प्रायर परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इज अ मस्ट, अलॉन्ग विद इंटीमेशन प्रोसेस भी, तो उसमें कोई इशू नहीं है, मीडिया इज फ्री टू कवर एनी ऑफ दीज इवेंट्स, पर जस्ट पॉलिटिकल पार्टी, आपके थ्रू हम पॉलिटिकल पार्टीज को हिदायत देना चाहते हैं कि जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की तरफ हो या MCC गाइडलाइंस की तरफ हो, बस वो फॉलो करें, पालन करें, सो दैट हमारे पास एक फ्री, फेयर और एक इवेंटफुल इलेक्शन। थैंक यू।